केंद्र सरकार ने दोहराया कि संशोधित नागरिकता कानून से किसी को डरने की जरूरत नहीं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल होगा मतदान, सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी, मतदान दलों को किया जा रहा है रवाना। केंद्र सरकार ने चालू खरीफ मौसम के दौरान धान का बोनस न देने की शर्त पर छत्तीसगढ़ से 24 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्रीय पूल में लेने पर दी सहमति। और राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2018 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने फिर कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून को लेकर जो कुछ भी भ्रम फैलाया जा रहा है वह बेबुनियाद है। कोई भी देश दूसरे देश से अनधिकृत जो आते हैं उनको नहीं लेता, उनको घुसपैठी कहते हैं, इल्लीगल इमिग्रेंट्स। तो ये इल्लीगल इमिग्रेंट के खिलाफ है, ये देश के मुसलमानों के थोड़ा ही खिलाफ है। देश को 130 करोड़ लोग मजबूती से एक है और एक रहेंगे और किसी को कोई भी खतरा नहीं। श्री जावड़ेकर ने यह भी कहा कि एनआरसी नागरिकता रजिस्टर नहीं है और केवल ये आधार की तरह ही एक पहचान पत्र है। जैसे आधार कार्ड मिला वो पहचान पत्र है लेकिन वो नागरिकता रजिस्टर नहीं है। सारे देशों में नागरिकों का रजिस्टर होता है, सभी देशों में, तो हमारे देश में भी नागरिकों का रजिस्टर होना चाहिए। ये राजीव गांधी ने आसाम में 1985 में समझौते में मान्य किया। इधर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कोरबा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संशोधित नागरिकता कानून के संबंध में कहा कि देश में संघीय व्यवस्था है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत संसद में पारित कानून को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद सभी राज्यों को लागू करना ही पड़ेगा। इस संघीय व्यवस्था में आर्टिकल 256 के तहत ये व्यवस्था है कि जो राज्य है और जो केंद्र है, केंद्र और राज्य मिलकर निर्णय करते हैं। संसद में अगर कोई विधान पारित होता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो धारा 256 के तहत उसे राष्ट्र में लागू करना पड़ेगा। कोई राज्य उसे नहीं लागू करें ऐसा निर्णय नहीं हो सकता। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई प्रदेशों में संशोधित नागरिकता कानून का विरोध हो रहा है, वहीं इस कानून के पक्ष में भी सभाएं आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए चुनावी शोर थमने के बाद अब विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश के 151 नगरीय निकायों में कल 21 दिसंबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस चुनाव में 10,167 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने मतदान के पहले राजधानी रायपुर, दुर्ग और जांजगीर चांपा सहित विभिन्न नगरीय निकायों में फ्लैग मार्च किया। इस बार नगरीय निकायों में मतपत्रों और मतपेटियों के जरिए मतदान होगा। प्रदेश के जिन नगरीय निकायों में आम चुनाव हो रहे हैं उनमें 10 नगर पालिक निगम, 38 नगर पालिका परिषद और 103 नगर पंचायत शामिल हैं। इस तरह नगर निगम भिलाई के 2 और नगर निगम बिरगांव के 1 वार्ड में भी उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। नगरीय निकायों के आम चुनाव में 39,82,000 और उपचुनाव में 22,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
मतदान के लिए 5,434 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतपत्र में नोटा का भी प्रावधान किया गया है। निकाय चुनाव के दौरान मतदाताओं को ऑनलाइन अपनी मतदाता पर्ची भी निकालने की सुविधा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट की दाहिनी ओर लिंक वोटर सर्च दिया गया है। इसमें मतदाता लिंक का प्रयोग कर 18 पहचान पत्रों में से अपने नाम की मतदाता पर्ची निकाल सकते हैं और मतदान के लिए इस पर्ची का प्रयोग पहचान पत्र के रूप में कर सकते हैं। हमने दी है कि वो खुद अपनी पर्ची अपने घर बैठकर अपने प्रिंटर से, या प्रिंटर घर पर नहीं है तो कोई च्वाइस सेंटर पर, किसी और कंप्यूटर पर बैठकर, किसी कार्यालय में, किसी कहीं पर भी वो अपना नाम और वार्ड नंबर डाल के उसका पूरा डिटेल मिलेगा उस आदमी को। अच्छा। वो पूरे घर की मतदाता पर्ची निकाल सकते हैं। अच्छा। उसमें मतदान केंद्र का नाम है, उसमें मतदाता का नाम है, क्रमांक है कहाँ पर, और मतदान केंद्र का पता है। और सबसे बड़ी बात है कि वही प्रिंट, वही मतदाता पर्ची जो स्लिप निकलेगी, वही दस्तावेज का काम भी करेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के सुचारू संचालन के लिए मतदान अभिकर्ताओं को निर्देशों का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश के नगरीय निकायों में कल होने वाले मतदान के लिए मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। राजधानी रायपुर सहित विभिन्न नगरीय निकायों में मतदान के लिए आज भी मतदान दलों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना किया गया। महासमुंद जिले के नगरीय निकायों में भी मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील जैन ने बताया कि संवेदनशील मतदान केंद्रों में बेहतर व्यवस्था की गई है। जिले में 3 नगर पालिकाएं और 3 नगर पंचायतें हैं। कुल 140 मतदान केंद्र इन जगहों पर बनाए गए हैं और सामग्री वितरण का कार्य आज सभी जगहों पर 12 बजे तक संपन्न हो जाएगा। और इन सब के लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जितने भी हमारे संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उसमें वहाँ 2 वर्दीधारी लगाए गए हैं और उसके अलावा 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमने 28 सेक्टर ऑफिसर्स की नियुक्ति की है और कुछ रिजर्व भी लगाए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी हमने लगाए हैं। जितने हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं सबको मजिस्ट्रेट का दर्जा दिया गया है। सभी लोग पूरी व्यवस्था में लगे रहेंगे और निर्विघ्न और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। बस्तर के नगरीय निकायों में भी मतदान के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अयाज तंबोली ने बताया कि जिले में निकाय चुनाव के तहत मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जगदलपुर नगर निगम तथा बस्तर नगर पंचायत के लिए आवश्यक तैयारियां पूर्ण की गई है। इसके लिए मतदान दलों की रवानगी हो रही है। कल प्रचार प्रसार की समाप्ति हो चुकी है और 21 तारीख को सुबह 8 बजे से मतदान प्रारंभ होगा। बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान होगा। सभी मतदान केंद्रों में जो तैयारियां होती है, पूरा सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी और मतदान दलों की सकुशल वापसी के लिए जो आवश्यक तैयारियां हैं वो सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इसी तरह प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों में भी मतदान दलों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किए जाने के समाचार मिले हैं। मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। केंद्र सरकार ने चालू खरीफ मौसम के दौरान धान का बोनस न देने की शर्त पर छत्तीसगढ़ से 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने पर अपनी सहमति दे दी है। इस संबंध में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय का पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हो चुका है। राज्य सरकार ने केंद्र से भारतीय खाद्य निगम के जरिए राज्य से 32 लाख मीट्रिक टन चावल लिए जाने का आग्रह किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने केंद्रीय पुल में राज्य से केवल 24 लाख मीट्रिक टन उसना चावल लेने की सहमति प्रदान की है। बीते वर्ष भी केंद्र सरकार ने लगभग इतना ही चावल केंद्रीय पुल में लिया था। केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्य को बड़ी राहत मिली है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की जा रही है। धान खरीदी का कार्य आगामी 15 फरवरी तक चलेगा। राज्य सरकार ने इस वर्ष करीब 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार द्वारा पतला धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 1835 रुपये और मोटे धान का 1815 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान धान के अवैध परिवहन और विक्रय के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। खरीदी केंद्रों में अवैध रूप से धान बेचने का मामला भी सामने आया है। जांजगीर चांपा जिले के मतदान केंद्र में भी धान खरीदी के दौरान गड़बड़ी पकड़ी गई है। सक्ती के एसडीएम ने तहसीलदार और खाद्य अधिकारियों की टीम के साथ जयजयपुर क्षेत्र के भोथिया खरीदी केंद्र की जांच की तो वहां 1400 बोरी धान अवैध रूप से मिले। प्रभारी द्वारा यह धान खरीदी करने के बाद उपार्जन केंद्र में ही रखा गया था। एसडीएम डॉ. सुभाष राज ने बताया कि धान खरीदी में गड़बड़ी के मामले में भोथिया केंद्र के खरीदी प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
पंचायत और ग्रामीण विकास की विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर 22 पुरस्कार मिले हैं। राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण की विभिन्न श्रेणियों में 9, मनरेगा में 7, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 5 और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बेहतर प्रदर्शन के लिए 1 पुरस्कार से नवाजा गया है। इनमें राज्य स्तर पर दिए जाने वाले 13, जिला स्तर पर दिए जाने वाले 3, विकासखंड को 1 और ग्राम पंचायतों को मिले 4 पुरस्कार शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिल्ली में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ को ये पुरस्कार प्रदान किए। पंचायत विभाग के प्रमुख सचिव सुब्रत साहू ने छत्तीसगढ़ की ओर से पुरस्कार ग्रहण किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों और विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। राज्य सरकार अब प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और गरीबों को पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी आवास समितियों के जरिए व्यवस्थित और सुविधा युक्त आवास गृह का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित प्राथमिक गृह निर्माण समितियों के लिए आदर्श उपविधि का अनुमोदन कर दिया है। सहकारिता विभाग ने ग्रामीण गृह निर्माण समिति का गठन और पंजीयन करते हुए नियमानुसार भूमि आवंटन करने के निर्देश सभी संभागीय कमिश्नरों, कलेक्टरों और सहकारी संस्थाओं के संयुक्त तथा सहायक पंजीयक को जारी किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस उपविधि का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के आवास का निर्माण और सुविधायुक्त कॉलोनियों के विकास को प्रोत्साहित करना है। आदर्श उपविधि के अनुसार समिति के सदस्यों के लिए प्रति सदस्य 5,000 रूपये की अंश पूंजी निर्धारित की गई है। वहीं समितियों में न्यूनतम 21 सदस्यों में से 5 तकनीकी ज्ञान के व्यक्ति को सदस्य बनाना आवश्यक होगा। समिति द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2018 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम के आधार पर 821 अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के लिए किया गया है। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2018 में राज्य शासन के अधीनस्थ विभागों के अंतर्गत विभिन्न 17 सेवाओं के लिए कुल 273 पद विज्ञापित किए गए थे। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के आधार पर कुल 4,128 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया गया था। इनमें से 821 अभ्यर्थियों का प्रावधिक आधार पर साक्षात्कार के लिए चिन्हांकन किया गया है। साक्षात्कार के लिए चयनित सभी अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों की अग्रमान्यता आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक का प्रयोग कर ऑनलाइन दर्ज करना होगा। इसके लिए अलग से तिथि जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को अपने साक्षात्कार दिनांक से एक दिन पहले मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए लोक सेवा आयोग में उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार की तिथि और समय सारणी आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने दोहराया कि संशोधित नागरिकता कानून से किसी को डरने की जरूरत नहीं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल होगा मतदान। सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी। मतदान दलों को किया जा रहा है रवाना। केंद्र सरकार ने चालू खरीफ मौसम के दौरान धान का बोनस न देने की शर्त पर छत्तीसगढ़ से 24 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्रीय पुल में लेने पर दी सहमति। और राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2018 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।